हो सकता है मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई ना दे पाऊँ या हार्ट ज़्यादा सेंड ना कर पाऊँ आप लोगों को, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि पापा की आज एंजियोग्राफी है तो वहाँ पर जा रहे हैं। और यस, पापा की एंजियोग्राफी 2 वीक पहले होने वाली थी, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें कोल्ड कफ हो गया था, तो डॉक्टर ने उसे पोस्टपोन करके आगे की डेट दे दी थी। तो आज है पापा की एंजियोग्राफी, थोड़ी घबराहट सी हो रही है, लेकिन मुझे मालूम है सब कुछ सही होगा। और बस हम लोग निकल रहे हैं, और बाकी की जो भी अपडेट होंगी वो मैं आपको देती रहूँगी। तो आज का दिन मेरा थोड़ा बिजी जाने वाला है, हो सकता है मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई ना दे पाऊँ या हार्ट ज़्यादा सेंड ना कर पाऊँ आप लोगों को, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, क्योंकि मेरा दिन आज हॉस्पिटल में जाने वाला है। हॉस्पिटल पहुँच गए हम लोग, थोड़ा बहुत खाना लेकर आए साथ में, क्योंकि मैंने वो लगा दिया था, तो थोड़ा बहुत खाना लेकर आए हैं हम लोग अपने साथ, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर कितना लेट हो जाए, तो खाना रख कर ले आए अपने साथ। पापा की एंजियोग्राफी हो चुकी है और रिजल्ट्स सारे अच्छे थे, हमें बुलाया था अंदर और दिखाया भी था मुझे और दीदी को, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। दवाइयाँ खानी पड़ेंगी कुछ दिनों तक, और सब बढ़िया है। और खाने में थोड़ा सा पापा को परहेज रखना पड़ेगा, परहेज बोला डॉक्टर ने कि थोड़ा सा ना जो घी तेल वाले सामान होते हैं वो थोड़ा कम खाने, तो वो तो हर किसी को खाने चाहिए, ये तो जनरल सी बात है। और बाकी तो एज फैक्टर की वजह से थोड़ा बहुत तो फर्क आता ही है बॉडी में, वही बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग बहुत खुश हैं, पूरी फैमिली खुश है कि सब कुछ सही है, सब कुछ पॉजिटिव है, दैट्स टू ग्रेट। पापा जी पापा सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि पापा का मुंह उतर गया था एकदम से जब पापा जा रहे थे हॉस्पिटल से। आने के बाद जब फेस वॉश वगैरह किया है, अभी जस्ट फेस वॉश किया, प्रशांत ये कुछ पैक करा के लाए बेकरी का आइटम नाश्ते में खाने के लिए, तो यही सर्व करने जा रही थी, थोड़ा सा इसे गर्म करके खाएंगे। ये है वेज नहीं पनीर पेटीज है, और ये रोल है वेज रोल, और ये कुछ ये वाला है, ये भी पनीर काठी रोल काइंड ऑफ है, तो ये सारे रोल या वो ही हैं। भूख लग रही थी इस टाइम तेजी से, और तो प्रशांत बोलते हैं कि मैं कुछ पैक करा के ले आता हूँ बाहर से स्नैक्स, इवनिंग में हम लोग कुछ बाहर का स्नैक्स खा लेते हैं। ये थोड़ा सा हीट करते हैं, मैं इसे दो दो भागों में डिवाइड कर रही हूँ, जिसको जो मन होगा वो ले सकता है। वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। और अब तक आपने देखा कि पापा का एंजियोग्राफी हुई थी, तो पापा की जो एंजियोग्राफी हुई थी उसकी रिपोर्ट्स बहुत एवन आई हैं, और सब कुछ बढ़िया है, ही इज़ फाइन, ही इज़ फिट, और हम लोग भी हैप्पी हैं उनकी रिपोर्ट्स देखकर, और पापा भी बहुत खुश हैं अपनी रिपोर्ट्स को जानकर। तो बस यही चल रहा था, कल का दिन ऐसे ही स्पेंड हुआ था, और आज है संडे, आज जा रहे हैं मंदे हम तो नहीं जा रहे हैं, मैंने पहन रखी है देखो इंडियन क्लोथिंग। ओके, तो आज है सैटरडे और मैं अभी जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर, पापा से भी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि कल के बाद अभी तक मिली नहीं हूँ मैं पापा से, और कुछ भी कहो छोटा मोटा भी कुछ भी होता है तो फिर मन तो करता ही है मिलने का। तो बस कल तो पूरे दिन हॉस्पिटल में निकल गया था, इवनिंग में मैं आई थी और फिर आप लोगों को अपडेट किया था, उसके बाद से मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यस,
तो रात को हम लोग वहीं पर स्टे करने वाले हैं और आज कुछ होने वाला है इंटरेस्टिंग सा, क्योंकि यार जब भी हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, हम फुल टाइम किचन में लगे रहते हैं ना, या तो हम उसके लिए कुक कर रहे होते हैं या वो हमारे लिए कुक कर रहा होता है। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि कोई किसी के लिए कुक नहीं करेगा, सब मिलकर कुक करने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक प्लान बनाया है और जो भी कुछ होगा सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोग जुड़े रहिएगा आज के व्लॉग से, क्योंकि वो होने वाला है एकदम मस्त। डूब चुका है। वैसे तो बोलते हैं कि डूबता हुआ सूरज देखना नहीं चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि आप खुद को रोक नहीं सकते, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। डैडी तो गाड़ी चला रहे हैं, हम सामने नहीं देखेंगे तो मतलब कैसे डैडी। लेकिन मैं बताना चाह रही थी कि लोग बोलते हैं ऐसा कि नहीं सनसेट नहीं देखना चाहिए, ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन लेकिन सनसेट देखने के लिए ही लोग दीवाने होते हैं। तुम्हें पता है बीच पे जाके सनसेट पॉइंट्स होते हैं, और इवन जब यूएस में थे तो वो बीच पे जो सनसेट होता था, ध्यान है जब हम लोग मिलफोर्ड में थे तो मिलफोर्ड में वो वॉलनट जो बीच था वहाँ पे हम हर थर्सडे को सनसेट देखने और खाना खाने जाते थे। पता है एवरी थर्सडे हम लोगों ने प्लानिंग करी हुई थी कि सनसेट देखेंगे, और सनसेट होते ही हम लोग वहाँ पर अपना डिनर करते थे और हम घर से कुछ ना कुछ अच्छा बना के ले जाते थे। 6 o'clock बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी वो भी कि हम लोग कुछ ना कुछ बना के लेके जाते थे और वहाँ पे जाके बेंच जो पड़ी रहती थी उन पे बैठ के खाना खाते थे। वहाँ पे मतलब इतनी भीड़ भी नहीं होती है और हवा इतनी ठंडी बीच के किनारे और बिल्कुल ब्यूटीफुल, हमारे घर के पास था, बिल्कुल वॉकेबल था हमारे घर से। हेलो एवरीवन, हम आ गए इंडियन मॉम स्टूडियो। हाँ मतलब मैं नहीं हूँ बट मम्मी अंदर, हमने अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, तो हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। भैया गाने गा रहे हैं और यहाँ पे कुछ प्रेपरेशन चल रही है। मम्मी पता नहीं कहाँ है, मौसी है यहाँ पे। मौसी हाय बोल दो सबको। हाय। ओ मौसी पता है बहुत अच्छी है, हमने मैंगो शेक भी बनाया और पेस्ट्री भी दी हमें, ये सबसे मौसी पालू शाही है। मुझे नहीं दिख रहा, हाँ इसमें दिख रहा है बालूशाही। मम्मी देखो मैंने व्लॉग बना रही थी आपके लिए। हेलो गाइस, तो मैं हूँ दीदी की किचन में और अभी हम लोग कर रहे हैं चॉपिंग का काम, क्योंकि मैरिनेशन के लिए जरूरत पड़ेगी चॉपिंग की। तो कैप्सिकम और अनियन चॉप कर लिए हैं और अभी टमाटो चॉप करने हैं और फिर पनीर को भी मैं मोटे मोटे वाले स्लाइसेस में कट करने वाली हूँ। मम्मी आपने बताया ही नहीं आप क्या कर रही हो, आपने ये सब तो बता दिया क्या कर रही हो। बट अच्छा वो भी बताऊंगी थोड़ी देर, थोड़ा सा तो वो बना रहे थे। सबको समझ आ गया होगा कि हम मैरिनेशन क्यों कर रहे हैं। हाँ तो आज हम लोग बनाने वाले सब फैमिली के मेंबर मिलके, क्या गैस कर लिया ना आपने, गैस कर लिया ना तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। 10 सेकंड के लिए पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक आप गैस करिए। काफी हद तक चॉपिंग हो गई है और आप लोगों ने मुझे मालूम है गैस कर लिया है। जी हाँ, हम लोग करने वाले हैं बारबेक्यू नाइट विद फैमिली। ये बहन कितना सारा पनीर मंगाया है, 1 kg। तुम्हें लगा था 1 kg पनीर चाहिए, इसको काटने के लिए सोच लो बालू शाही खाने, इससे काटने से पहले इसको बालू शाही बहुत ज्यादा मिल गया। अब आप तो ले, मीठा बहुत होता है ना। नहीं मीठा ना इस्तेमाल नहीं होता, अब मीठा है वैसे। अच्छी है बालू शाही, टेस्टी टेस्टी है। आप ले लो, आप ले लो। Wanna move my feet, wanna drop on one. 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 Standing free for 40 tonight. How do you feel? Your man put a short circuit. Yeah, but. He was in good mood. इसको थोड़ा सा ग्रीस करना पड़ेगा। तो जस्ट अभी लगाया पनीर टिक्का और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, और एक
एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे थे कि पनीर टिक्की के साथ, हम काफ़ी सारे लोग हैं ना घर में, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग रुमाली रोटी मंगा लेते हैं मार्केट से और पनीर टिक्की के साथ रुमाली रोटी खाएंगे, तो अच्छी स्टफिंग भी हो जाएगी और बहुत देर तक मतलब बनाना नहीं पड़ेगा, बहुत सारा नहीं बनाना पड़ेगा, क्वान्टिटी में सबको इनफ रहेगा। टूट गया एक पनीर इसमें से, तो फिर यही प्लान किया था, लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी रुमाली रोटी नहीं मिल रही है, यहाँ पर बस सिर्फ तंदूरी रोटी मिलती है, रुमाली रोटी मिलती नहीं है यहाँ पर। इतनी जगह शॉप्स पे ढूंढ लिया निकी ने, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा, और तो हमें ऑर्डर करनी पड़ी स्विगी पे। हाँ तो हमें ना, हम लोगों ने स्विगी पे ऑर्डर करी है, तो वो थोड़ी देर में आएंगी, कम से कम एक घंटा लग जाएगा। हाँ प्रीहीट के लिए लगा दो। हाँ वो अभी लेने गए रोटी, वो गेट पे खड़ा था, जैसे उनको पता नहीं चल रहा होगा कहाँ आना है। चाट मसाला भी इधर ही रखो आगे, वरना भूल जाएंगे। हाँ तभी तो मजा आएगा। लो और ऐसे कर लो, पूरे पे लग जाएगा। ऐसे करो, ऐसे करो, मैंने ये किया। सीखो प्रशांत से कुछ, ठीक है? इन सब मामलों में फिर मैं ही आगे रहूँगा। बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा वैसा होगा एयरटेल है बताया तो। ओके तो क्या खिलाने वाले हो? गुलाब के लेंगे। खिलाने वाले इक्वल नंबर ऑफ कार्स हर एक प्लेयर के पास आएंगे। उसके बाद फिर क्या करना है इसमें, मतलब कि इसमें टू पेयर ऑफ मतलब दो पैक है कार्ड्स के, टोटल हर एक नंबर के
8 कार्ड्स हैं। अच्छा, अब ये किसी को नहीं पता होगा कि किसका कितना है, सिर्फ जिसके पास आया उसको पता होगा। और करना ये है कि हर एक को अपने मतलब सही पत्थर डालना है, लेकिन उसमें ब्लफ करना है। जैसे मैंने बोला 1-1-4, तो वो रियली 1-1-4 भी हो सकता है या फिर वो फेक भी हो सकता है, उसमें बीच में 2-3 गलत भी हो गया। लेकिन फिर वो आपको अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि आपको उस बंदे पे मतलब वो उठाना है कि उठाना कार्ड्स को। फोर के दो है मेरे पास। अब ये सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है, मतलब मैं जरूरी नहीं कि 2 के 4 सच में डालू। मैं कभी मैं 2 ऐसे डाल सकती हूँ, 4 और 5 मैं बोल दूंगी मैंने 2 के 4 डाल दिया। So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. 2 नंबर के 3 पत्ते हैं। अरे दो। हाँ क्यों बोलो? और अगर आपका गलत हुआ, सुनो, अगर आपका गलत हुआ तो वो कार्ड्स आपको लेने पड़े। आपको लेने पड़े। मैं डाल रही हूँ 3 8 के। 3 8 के। क्या ले मम्मी? आपको निकाल ले। उठाओगी? उठा लो। नहीं। उठा लो नहीं मत देखो नहीं। नहीं आप। कशिश ने सारे पत्ते खाली कर दिए अपने पास से और सारे मेरे पास आ चुके हैं। वो जो भी डाल रही है वो सारे सच है। मुझे लग रहा है कि सब ब्लफ कर रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी संडे। और आज संडे है और सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं शूटिंग के लिए। आप लोगों ने सबने सरोजिनी नगर का हॉल मांगा था ना, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और रात में 2:30 बजे सोए थे और सुबह सोचा था कि 6 बजे उठ के शूटिंग पर जाएंगे, कुछ बाहर की शूटिंग करेंगे, कुछ बाहर के शॉट्स उठाएंगे। लेकिन जब 2:30 बजे सो गए तो कौन उठने वाला है सुबह यार, किसी को नहीं उठना था, सब सोए पड़े हुए थे। और जब 8 बजे तो दीदी आई सबको, उठो 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 उठो, तुम लोग तो कह रहे थे हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। तो अभी जल्दी जल्दी कशिश को रेडी किया, पीछे बैठी हुई है। अभी मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसका आउटफिट जो है रिवील हो जाएगा और वो मैं नहीं चाहती। आप लोगों को सबको सरोजिनी नगर का हॉल देखना है ना, तो उस वीडियो को जरूर चेक करना और वो वीडियो मैं जल्दी रिलीज करूंगी आप सबके लिए। तो अभी चलते हैं फटाफट से शूटिंग। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर पार्क में और प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा, बस सिर्फ फेस वॉश किया है मैंने इस टाइम, ओनली फेस वॉश, नथिंग एल्स। लिप्स पर भी कुछ नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, तो चेहरा बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन इट्स ओके। और वैसे भी मेरा शूट नहीं है, कशिश का शूट है, सारे कपड़े कशिश के हैं सरोजिनी नगर के, तो शूटिंग सारी उसी की है। पाव भाजी की तैयारी कर रहे हैं, दीदी पाव भाजी बना रही है सबके लिए खाने में, तो बस वही रेडी कर रही है अभी। और बताओ बहन क्या कर रही हो? पाव भाजी बना रही है। पाव भाजी बना रही है, तो बस पूरी तैयारी हो चुकी है और उसके बाद पाव भाजी का मन था ना, पाव भाजी खाने। हाँ, कशिश का बहुत दिल था पाव भाजी खाने का, उसे अच्छी लगती है पाव भाजी। तो पाव भाजी की जो सब्जी थी वो तो बॉईल हो गई है, अभी इसे थोड़ा सा मैश करना होगा क्योंकि पाव भाजी में मैश करके ही अच्छी लगती है। और इधर अनियन फ्राई हो रही है कढ़ाई में, टमाटो का प्यूरी बना ली है ऑलरेडी, और छोटे छोटे पनीर के स्लाइसेस भी डालने वाले हैं हम लोग इसमें। यस, मटर भी बॉईल कर रही है, मटर उधर बॉईल हो रही है इसमें। गल गई मटर? तो 2 दिन से हम लोगों का यम्मी वाला लंच और डिनर चल रहा है। कल रात हुई थी बारबेक्यू नाइट, अभी हो रही है पाव भाजी, और शाम को हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग सामान रखा है उसका 7 और 4 क्या चीज, ये सामान जो रखा है इसका, इसका सामान, ये मैरिनेशन का सामान जब बच जाता है ना, जो हम लोग ने बारबेक्यू नाइट करी थी, तो इस वाली चीज का सामान क्या बचा है इसमें, वो जिसमें दही में आप मैरिनेट करते हो वो थोड़ा दही बच जाता है,
तो इस दही को हम लोग यूज कैसे करते हैं वो मैं दीदी को बता रही थी, तुम इसे कुछ फेंकना वेंकना मत, इसकी बहुत ही यम्मीएस्ट वेजिटेबल पुलाव या तहरी बना सकते हो, बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही यम्मी लगेगी क्योंकि इसके जो फ्लेवर है ना पूरे दही में आ चुके हैं, बिरयानी काइंड ऑफ, जैसे बिरयानी नहीं बनाते हो वैसे, बॉइल करके बनाए चावलों को, चावल को बॉइल कर लो, वेजिटेबल एक तरफ फ्राई कर लो और उसके साथ एक साथ मिक्स करके और शाही जीरे में छोड़ दे, शाही जीरे के साथ। फिर इसको कैसे पकाएं? इसको ना जब बिरयानी बनाओगे तो उसमें एक एक लेयर लगाओगे ना, वेजिटेबल की लेयर तो थोड़ी काट की लेयर एक साथ मिक्स हो जाता है, फिर ढक के 5 से 7 मिनट पकाना है। हाँ 5 से 7 मिनट पकाना होता है ढक के। और अगर तुम्हें वैसे नहीं पसंद तो तुम कुकर में बनाओ, शाही जीरा डालो और ये डाल दो मसाला ये सारा, और बाकी जो तुम वेजिटेबल डालना चाहते हो डालो, नहीं तो मटर डाल लो खाली, मटर डाल दो या आलू डाल दो सिर्फ, उससे भी बहुत ही यम्मीएस्ट लगता है ये वाला। कौन सा गाना चला? नहीं तेरा कुछ कौन सा गाना चाहिए अभी? का कोला तू between the stones.